हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। और एक बार फिर से हम एसपी बख्शी की अपनी इस बुक को रेफरेंस लेते हुए एडीएम के सेशन का डिस्कशन करेंगे। बी से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स का ये हमारा फिफ्थ पार्ट होगा। अभी तक मैंने आपके साथ चार पार्ट डिस्कस किए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अलग से एक्चुअली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उन सभी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो पहला है आपके सामने ब्राउन स्टडी। तो देखिए, ब्राउन स्टडी की मैं बात करूं, ये एक्चुअली 16th सेंचुरी पर एक प्ले यूज़ किया जाता था, एक प्ले लिखा गया था जिसका नाम था डाइस प्ले। अब उस डाइस प्ले से आपका ये ईडिया निकल कर आया था, वहाँ पर इस फ्रेज को यूज़ किया गया था ब्राउन स्टडी को, जहाँ पर एक व्यक्ति को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि वो दिन में क्या करता था, सपने देखता रहता था। तो जहाँ पर भी वो सपने देखता था उसको इस तरीके से एड्रेस किया जाता था, दैट ही वॉज ब्राउन स्टडिंग। तो ब्राउन स्टडी का अर्थ होता है रेवरी, यानी कि दिन में सपने देखना, या फिर डे ड्रीम, जो कि आपको सीधे सीधे मतलब पता चलता है। एग्जाम्पल, ही कुड नॉट फॉलो दिस सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, यानी कि वो मेरे ऑफर के सिग्निफिकेंस को फॉलो ही नहीं कर पाया। वो क्या था, वो एकदम दिन में सपने देखता रहता था, ही वॉज नॉट रियलिस्टिक, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्राउन स्टडी, जिसका अर्थ होता है दिन में भी सपने देखना। नेक्स्ट है आपका बैंक ऑन। तो देखिए, अगेन पुराने टाइम पर बैंक्स को इस तरीके की इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि हम किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा कर लिया करते थे। बैंक पर यूजुअली लोग भरोसा कर लिया करते थे कि ये हमारा जो पैसा है उसे ये सेफली रखेंगे। तो बैंक ऑन का जो ईडियम अर्थ निकलता है वो होता है किसी पर डिपेंड होना, या फिर किसी पर विश्वास करना। एग्जाम्पल, द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन। तो जो रिच होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं किस पर, मनी पर, ताकि अपने वो काम को आसानी से करा पाएं। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा है तो उनके पास सारा जहां उन्होंने अपना कर लिया है। तो ये हो गया आपका बैंक ऑन। नेक्स्ट है आपका ब्लेज द ट्रेल। तो देखिए, ब्लेज द ट्रेल का ये ईडियम अर्थ आपको निकल कर आता है ब्राज़ील से। ब्राज़ील में यूजुअली क्या होता था, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने पर वहाँ की ट्राइब्स, जो वहाँ के ट्रेल्स होते थे, यानी कि जंगल में कोई भी बार्क में क्या करते थे, छोटी छोटी आगे लगा देते थे। इट वॉज अ साइन ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, यानी कि किसी मूवमेंट को अगर स्टार्ट करना होता था तो वो इस तरीके की चीज़ें करते थे। तो ईडियम आपका निकला यहाँ पर ब्लेज दी ट्रेल, जिसका अर्थ आपका होता है कि किसी मूवमेंट को स्टार्ट करना। एग्जाम्पल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ब्लेज द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने शुरुआत करी थी किसकी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो ये हो गया आपका ब्लेज दी ट्रेल। नेक्स्ट है आपका बुल इन अ चाइना शॉप। तो देखिए, ये जो ईडीएम है ये आपका निकल कर आता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक जंगली पशु एक बाजार में घुस आया है और वो सारी चीजें क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। वो इधर से उधर चीजों को एकदम बेकार तरीके से सारा एकदम उसने ना यू नो डैमेज कर रखा है पूरे मार्केट में। तो ये निकल कर आता है आपका यहाँ पर दैट बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि जिसका अर्थ निकलता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक आप पर्सनालिटी को आप ये बोलते हैं कि वही कारण बना किसी डैमेज करने का। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन अ चाइना शॉप। तो देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो बहुत सारे लीडर्स थे, यानी मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे, वो क्या साबित हुए, वो एक रीज़न साबित हुए कि उनकी वजह से काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ। तो ये आपका ईडियम निकल कर आया यहाँ से, बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट है बाई द रूल ऑफ द थंब। बाई द रूल ऑफ थंब ये आपका क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है जहाँ पर आपको एक्चुअल पता चल रहा होता है कि आपका करंट किस साइड में होगा, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड किस साइड में होगा। तो एक प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म है, एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है जहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ बाई द रूल ऑफ थंब, तो आप बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो चीज़ आप प्रैक्टिकली ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल, इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वॉज रन बाई द रूल ऑफ थंब। तो पुराने टाइम पर जो बिजनेस चीज़ें हुआ करती थी, जो भी बिजनेस हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे, बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपका बिग ड्रॉ। तो देखिए, बिग ड्रॉ का आपका अर्थ निकल कर आता है अगर आप क्या होते हैं, एक पात्र होते हैं किसी अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचने का। बिग ड्रॉ, अ ह्यूज सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, एक बहुत बड़ी यू नो इवेंट साबित होगा दूसरों के लिए या फिर लोगों के लिए हर जगह के।
तो ये मैच के बारे में बात करी गई कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो हमेशा क्या करता है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन साबित होता है। तो यहाँ से आपका ईडीएम निकला बिग ड्रॉ। नेक्स्ट है आपका ब्रोकन रीड। देखिए अगर मैं किसी भी ह्यूमन की बात करूँ, रीड यूजुअली आप एक ऐसी चीज़ मानते हैं जिस पर आपकी बॉडी एक सपोर्ट ले रखी है, अगर मैं उसको तोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगा, आपको एक ब्रोकन रीड हो जाएगा, यानी कि समथिंग विच वॉज सपोर्टिंग यू अर्लियर, नाउ आपने क्या कर दिया है उसको एकदम खत्म कर दिया है, इट हैज़ गॉन फेल्ड नाउ। तो ब्रोकन रीड का अर्थ होता है सपोर्ट जो कि अब फेल हो चुकी है। एग्जाम्पल, वेन ही नीडिड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड, यानी कि जब उसको हेल्प की ज़रूरत थी तो उसके फ्रेंड क्या हुए, उसके फ्रेंड वहाँ पर नहीं प्रेजेंट हुए, उन्होंने अपनी सपोर्ट को क्या किया, पीछे खींच लिया और उसको सपोर्ट नहीं मिल पाई। सो नाउ दे प्रूव्ड एज अ ब्रोकन रीड, यानी कि वो सपोर्ट जिस पर उसको विश्वास था वो फेल हो गई। तो ये हो गया आपका ब्रोकन रीड। नेक्स्ट है आपका बाई द स्किन ऑफ द टीथ। तो देखिए ये तो आसान है अगर आप इस चीज़ को ऐसे भी समझना चाहें, अगर आप टीथ की स्किन को एनालिसिस करना पाएं चाहें, तो आप किसी एक बहुत ही ऐसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं जो कि बहुत ही नैरो है और छोटी है, इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में पहुंच गई है, बहुत ही कम मार्जिन है वहां पर। एग्जाम्पल, ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द डेथ टीथ सॉरी। तो उसने डेथ को क्या किया, उसने डेथ को एस्केप किया जो भी एक्सीडेंट में उसकी हुई थी, किस तरीके से, बहुत ही मामूली तरीके से बच गया था, मतलब बस बच ही बच गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय द स्किन ऑफ द